आपके साथ पिछले जुलाई से 2022 जुलाई से जो आपके साथ एक्सपैम चला नेगेटिव उसका खात्मा हुआ है अब चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ तो चलेंगी लेकिन टाइम ऐसा होता है कि जो दीगर प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स भी बहुत अहम हो जाती हैं जैसे कि आ, इस हफ्ते में भी ट्वेंटी ट्वेंटी मई को जो ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मरीहबा मुकाबला प्लूटो आ रहा है दोनों अपोजिशन जीरो डिग्री पे और कुछ धकीके के फर्क से जो है आ, ये स्टार्ट होगा मार्स जो है वो आठ धकीके पे है ट्वेंटी फर्स्ट को आ, और प्लूटो सिक्सटीन धकीके पे रिवर्स हो क्या रहा है वो रिवर्स हो क्या रहा है और ये उसकी तरफ तो जाए यानी दोनों ने बड़ी तेज़ी के साथ अपना फासला करें अब इसके इम्पैक्ट आपके क्या होंगे बात यह है कि जो आ, आपका अपना रूलिंग प्लानट जब किसी चीज़ से अपोजिशन बनाता है तो वो भी देखना है कि वो किसका ये प्लूटो भी मार्स का ही जैली सितारा है अब इस सॉरी स्यारह है सैारा इस है कि दोनों का मुकाबला इट्स मीन कि ये आपको अपने अंदर की जो डीप थॉट्स हैं उसमें कुछ क्लैश जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपके एट्थ हाउस का लॉर्ड है और इसमें क्या होगा डीप थॉट्स आपकी आपकी होप्स से मुतलिक होंगी आपकी पर्सनलिट्यूट से मुतलिक होंगी आपकी लव लाइफ से मुतल होगी बच्चों से रिलेटेड आपके मामला आपके आ, जिसको हम कहते हैं आपका विजडम आपकी लक उसको थोड़ा सा चैलेंज जो है वो होगा लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि चंद दिन के बाद निकल जाएगा सिर्फ एहतियात क्या करनी एहतियात ये करनी है कि आपने ये जो एक दो दिन है आ, ट्वेंटी फर्स्ट हो गया या उसके बाद आ, आप ट्वेंटी से लगा लें ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव तक जो है कुछ थोड़ा सा आपको एग्रेशन से थोड़ी सी गुरेज करनी है अगर आप इसको कवर कर जाएंगे तो इनशाला अगला टाइम बहुत ही जबरदस्त होगा इसी तरह दीगर से आनगार में ट्वेंटी सेकेंड मई को सन जो कि ट्वेंटी फर्स्ट मई को आ चुका होगा आपके जाइ के तीसरे घर में ये ट्राइन बनाएगा आ, मार्स के साथ और ये मार्स जो है वो सन के घर में ही मौजूद है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर से सपोर्ट मिलेगी आपको करेज मिलेगी आप स्ट्रेंथ मिलेगी आप अपनी कोशिशों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं अगले दिनों में और इन कामयाबियाँ आपके कदम चुभेंगी बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों को भी और हायर एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों को भी यहाँ से इंशाल्लाह सपोर्ट जो है वो मिलेगी आप पहले से बोल्ड हो रहे हैं ब्रेव हो रहे हैं आप अपनी वॉइस को आ, आ, जो है वो बढ़ा रहे हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और स्ट्रॉन्गली और कॉन्फिडेंटली आप इस चीज़ को जो है वो आगे लेके चलेंगे नजदीकी सफरों का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका बहन भाई या के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा वाले के साथ कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं लेकिन मजमू तौर पर ये मामला इन बेहतर रहेगा फिर आपका फोकस होगा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की तरफ जो कि पिछले दिनों मरकरी के जो रेटोग्रेशन थी उसकी वजह से जो डिस्टर्ब हुए उसको बैलेंस करने की तरफ आपका बहुत ज्यादा जो है वो रुझान होगा क्योंकि सन का ये किरदार है कि ये जिस भी पोर्शन में आता है उसको हाईलाइट करता है आपका फोकस उस तरफ करवाता है दूसरा आपका अपना रूलिंग प्लान भी यही काम करता है तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत इनशाला बेहतर चलने वाली हैं आपकी इंगेजमेंट तय पाने के इमकान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे बट उसमें जल्दी बाज, जल्दबाजी से आपको जो है वो गुरेज करना चाहिए दूसरी तरफ आ, मरकरी जो है वो आपके दूसरे घर के दूसरे घर में जो है वो स्टैंड बाय हो चुका है और यहीं पे जो है अब जुपिटर भी आ चुका है अब जुपिटर और मरकरी यहाँ पे आपको जहां पे आपकी ओवरसीज uh, ट्रैवल को बेहतर करेंगे फिर ये आपके मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ आपको जो है वो माइल करेंगे और आपकी तवज्जो इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जाएगी अब सन चुके आपके जायचे के पाँचवें का लॉर्ड होते हुए जायचे के तीसरे घर में आ रहा है तो बच्चों के साथ स्पेशली कोई ट्रैवल का या कोई कन्वर्सेशन का जो मामला है वो आपके डिवेलप होंगे और ये भी मुमकिन है कि आप अपना विजडम को जो पहले से नॉलेज आपके पास है उसको जी ब्रुए कार लाते हुए अपने मामला को आगे की तरफ जो है वो लेके चलेंगे जॉब से मुतलक मामला हेल्थ से मुतलक मामला ये भी अब इन शाला बेटी की तरफ जो है वो गामजन रहेंगे सातवें घर का हाकिम जो कि आपकी शादी से लेट है चौथे घर में मौजूद है इसके अलाबका आपकी फाइनेंस से भी लेट है तो आपकी जो तवज्जो है आ, वो ख़ानगी मामलों की तरफ रहेगी और आ, जैसे मैंने कहा कि आपकी मंगनी वैसे ही आपकी शादी तय पाने के इम्कान भी रोशन है और आप अपनी स्पाउस के साथ मिलकर यानी अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के जो है अपने ख़ानगी मामला को बेहतर करने की तरफ लेके जाएंगे और कुछ तब्दीलियाँ कुछ रेनोवेशनस कुछ एक अच्छी जिसको खुशगवार तब्दीलियाँ जो है वो आप अपने घर में इनशाला महसूस करेंगे ठीक इसी तरह आप जो है वो अपने घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीदो फ्रोह होती है उसमें कुछ अपग्रेडेशन या तब्दीली की तरफ भी जो है वो माइल होंगे और इसमें आपको मुशावरत रहेगी आपका वर्किंग पार्टनर भी इसमें आपको जो है वो अच्छी हेल्प इनशा कर पाएगा फिर आपके आठवें घर का हाथी है जो कि आपके जाए के पाँचवें घर में जो है वो आ चुका है फर्स्ट हाउस का बिलॉर्ड है ये चीज़ आपको आपके विजडम को डेवलप करेगी आप जो डीप थॉट्स में जो फियर्स थे उसका अब खात्मा होगा पिछले बहुत टाइम आपने जो है वो थोड़ा सा घुटन वाली और दबाव वाली जो है वो लाइफ गुजारी अब इसमें इनशाला आपको बेहतरी मिलेगी और जैसे कि मैंने कहा नौवें घर के और बारहवें घर का लॉट भी आपके जायचे के दूसरे पार्ट में मौजूद है वो लोग जो कि जिनका किसी भी तरीके से जो रिलेशनशिप है सोर्स ऑफ अर्निंग है वो पाकिस्तान से बाहर है या आप इमिग्रेशन के असूल के लिए कोशा थे तो आपको बड़ी है, आप मिल सकेंगे। जुपिटर में आना यानी वजीर खजाना का ही जो है वो खजाने पर मामूर होना ये इनशाला आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा इसके बाद जो एक और बहुत ही मेन चीज है वो है सेटन का आपके जायचे के बारहवें घर में प्लेसमेंट मैं आज ही देख रहा था मेरी लास्ट वीडियो पे एक साहब के कॉमेंट से एरीज के हवाले से आप कह रही बहुत कुछ अच्छा होगा और साथ ही आपने बिल्कुल एंड पे कह दिया कि क्या आपने साठ सती का कुछ नहीं किया अगर नहीं किया तो जरूर करें वो आपके लिए हार्मफुल जो है हो सकती है देखें सेक्टर की बारहवीं जो प्लेसमेंट है वो अपनी जगह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है दूसरी तरफ आपके लिए कुछ प्लस माइनस प्लस माइनस जो है वो चलता रहता है यानी एक बंदा जो है मैंने उनके लिए भी मिसाल लिखी थी और मैं आपके लिए भी वही देने लगाऊँ कि एक गर्मी और अभस का दिन होता है पूरा दिन वो इसी तरह का है लेकिन उसमें दरम्यान में दो घंटे बारिश भी हो जाती है अब इसका मतलब ये नहीं कि उस गर्मी के दौर में बारिश नहीं हो सकती बारिश हुई है उसके इंपेक्ट भी आएंगे गर्मी में कदरे कमी वाक होगी ठीक इसी तरह साठसती में प्लानट्स अच्छी जब भी पोजिशन बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलेगा उसका ये नहीं होता कि आपको मिले ना अगर ऐसा ना हो तो खुदा ना लोग तो मायूस होकर मरने की तरफ आ जाएं ये इतनी प्रॉब्लम होती है अब आपको जो सरसती की इंडिकेशन की जाती है उसका मकसद ये होता है कि आप इसका बंदोबस्त जरूर करें जो बैक एंड पे प्रॉब्लम है ताकि आप उस चीज़ को जो पॉजिटिविटी आती है उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकें आप उसके पूरे बेनिफिट्स जो है वो ले सकें ये बिल्कुल ऐसी है कि एक जगह खड़ी फसल को अगर खुदा न हास्त कीड़ा लग जाएगा तो वो फसल तबाह होगी जबकि फसल की तैयारी में कोई बसला नहीं कुदरत ने उसका एहतमाम किया हुआ है आप उसको अगर स्प्रे करवा लेंगे आप उस कीड़े का बंदोबस्त कर लेंगे तो आप पूरी फसल को जो है वो एंजॉय कर सकेंगे बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी सरसती का इलाज नहीं करते तो आपको वो जो रिवार्ड मिल रहे हैं उनको आप पूरी तरह से ले नहीं पाएंगे यानी एक आदमी के पास पैसे आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे पैसे कर्ज की अदायकी में चले जाएंगे अब वो उस पूरी रकम को उस पूरी अमाउंट को एंजॉय नहीं कर सके तो पहले डिफॉल्टर में चला गया तो यही सिचुएशन होती है अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि दीगर प्लैनेट्स जो कुदरत के निजाम के तहत आपको अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं अगर वो आपको पूरे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं वंस अगेन कहूंगा कि आपको अपनी सारशति का इलाज जरूर करना चाहिए ये आपके लिए प्रॉब्लम का बायस जो है वो बहरहाल हो सकती है वंस अगेन कहूंगा किसी दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा और किसी दोस्त की भी पे आपने फॉरेन सेटलमेंट की तरफ नहीं जाना और स्पेशली फॉरेन सेटलमेंट के के मामला में आपको किसी दोस्त के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करना अब आपके लिए यहाँ पे एक ट्रैप होगा जो कि आप जिसमें आप फंस जाएंगे हमारे पास सालों का इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि के ऐसे केसेस आते हैं भी चार दिन पहले इसी तरह का के एक केस था और जब मैंने उनकी इंक्वायरी की कि, कि आपने कब इन्वेस्टमेंट की थी सब कुछ क्या किया था वो एक्जैक्टली यही दौर निकलाया जब अलेवेंथ का लॉर्ड आपके ट्वेल्थ में चला गया तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा जो है वो कवर करने की ज़रूरत होती है आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो आ, मरजान है आ, इसके अलावा आप जो है वो सुर हकीक पहन सकते हैं आप याकूत पहन सकते हैं तीनों स्टोन आपके लिए बेहतरीन होते हैं बेहतरीन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट जवा डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं आ, या आप व्हाट्सअप नंबर पर रबता करके अपने लिस्टों वो सेलेक्ट करवा सकते हैं इस उम्मीद के साथ ज्यादा चाहूँगा कि आप इस वीडियो से मुस्तित होंगे तो हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखेंगे चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा लीजिएगाकूम मैं शेख जवाहार जावा आपका अपना स्टॉल रबुल्जत की टोरेस्ट वीकली और इसको ट्वेंटी फर्स्ट टू तो ट्वेंटी सेवन मै आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा तो ये उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे इस वक्त इज्तमी शारगान आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है सबसे पहले तो फोर्थ का लॉर्ड सन आपके फर्स्ट हाउस में है और कस्ब की कंडीशन में जो है वो चला गया और ट्वेंटी फर्स्ट को ये यह यहाँ से निकल के आपके जायचे के सेकेंड पार्ट में चला जाएगा एक बड़ी तब्दीली होगी इन शह आपके जायचे में सेकेंड पार्ट में सन का जाना यानी आपके आपको फैमिली से कुछ सपोर्ट जो है वो मिल सकेगी घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली या खरीदो फ्रोश से आप अपनी अर्निंग को जो है डेवलप कर सकेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ फवाद आपको मिल सकेंगे लेकिन उसके साथ साथ एक और तब्दीली जो है वो भी रूनमा होगी और वो ये कि सन आ जाएगा आपके जायचे के दूसरे पार्ट में और ट्वेंटी को मार्स जो कि अभी एक दिन पहले ही जो है वो बीस तारीख को जो है वो एंटर हुआ है आपके जाएचे के चौथे घर में इसके साथ तस्तीस बनेगी जिसको कि हम सेक्सटाइल भी कहते हैं और ये सेक्सटाइल जो है वो आपके सातवें का लॉर्ड है मार्स उसकी होगी तो ये आपको एक पुशअप है बारहवें घर का भी लॉर्ड है ये ये आपको एक पुशअप है आपके फाइनेंशियल मैटर्स को बैलेंस करने के लिए खानगी मामला कुछ जो है वो भी आएंगे और कुछ आपको सपोर्ट मिलेगी आपके ब्रेन से अपने ब्रेन से जो इंट्यूशन आपके पास आती है वहां से आपने पिछले दिनों जो बड़ी ही एक हार्ड टाइम गुजार लिया मार्स की वजह से अब उसमें चेंज आने लगा फिर यहाँ पे सेक्सटाइल सॉरी ये जो सेक्सटाइल बनेगी इसकी आ, सन के साथ वो आपको स्ट्रेंथ देगी वो आपको पावर देगी और फैमिली आपकी भरपूर जो है वो वाला सपोर्ट करेगी आपका अपना रूलिंग प्लान जाहिर के थर्ड पार्ट में मौजूद है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो डेवलप हो रही हैं और इन अगले दिनों आप मजीद जो है वो इस पर काम करेंगे आप अपनी कोशिशों को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कोशिशें आपको इन कामयाबी से हमकनार भी करेंगी डिटेट्स में बड़ा अच्छे आपको जो है वो इम्प्रूमेंट्स मिलेंगे क्योंकि मरकरी भी यहीं पे हम प्लेस्ड है इस वक्त जो कि दूसरे घर का लॉर्ड है तो फाइनेंशियल मामला भी आपके जो है वो भी आप उनको अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे फिर यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त जो होने जा रही है वो है कि जुपिटर भी यहीं पर है, जो है वो आ चुका है मैंने बताया था कि सिक्सटीन को जुपिटर जो है वो भी ट्रांजेट करके आपके जाइचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा जुपिटर चूंकि आपके ग्यारहवें गुड लक का भी लॉर्ड है ये आपके फर्स्ट हाउस में है तो दो साहब आपसे बड़ा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आपके आइडियाज से आप अपनी नई आइडियालॉजी से अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ तो जाएंगे अपने टारगेट्स को जो है वो मीटअप कर सकेंगे ये एक बेहतरीन सिचुएशन मैं जिसको कह सकता हूँ कि वो बन गई है फिर जो डीप थॉट्स में आपकी चीज़ें थी वो भी अब पुटअप होकर जो है वो बाहर आएंगी और आपने जो वर्क किया पिछले टाइमिंग्स में अब उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने जा रहे हैं बरून मल्लिक से कुछ सपोर्ट्स मिल सकेंगी आपको माइट क्या आपका कोई रिलेशन अगर पाकिस्तान से बाहर है जहाँ से आप कुछ सपोर्ट लेना चाह रहे हैं वो इन शाला आपको मिल सकेंगी इंगेजमेंट और शादी दोनों तय पाने के इम्कान बहुत ज़्यादा अब जो है वो रोशन होंगे लव लाइफ में भी एक बेटरमेंट आएगी चूँकि मरगरी जो है वो अब स्टैंड बाय हो चुके हैं और अपनी डिग्रीज़ को आगे की तो जाए इसने बढ़ाना शुरू कर दिया ठीक इसी तरह कारोबारी मामला आपके जो हैं वो आप ज़रा सा आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत होनी है वो इसलिए क्योंकि इस हफ्ते में मरीख और प्लूटो का जो है वो मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपके चौथे घर में है प्लूटो जो कि आपके जायचे के दसवें कैरियर रोजगार के घर में तो आपको कुछ दरमियानी राह निकालनी पड़ेगी अपने कैरियर अपने रोजगार के मामला अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग के हवाले से और अपनी खान के मामला को जो है वो आपको जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा दोनों तरफ तो से आपको एक जिसको कहते हैं ग्रिप करने की कोशिश की जाएगी तो कुछ सैंडविच सब बनता नजर आ रहा है बहरहाल इसको आपने खुद जो है वो करना है समटाइम ऐसा होता है ना दोनों काम अहम है इधर भी जाना है इधर भी जाना फैमिली कहते हैं जी हमें है, टाइम दें बिजनेस कहते हैं जी हमें है, टाइम दें या जॉब के मामला भी होते तो फिर ये मामला थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है जॉब की जो मामला हैं वो आपके इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे इसी तरह अच्छे एम्प्लॉयज भी आपको मिल सकेंगे मामला जो है वो सेटलमेंट की तरफ आपकी इन स्टार्ट है ग्यारहवें घर में सेटन सेटन जो है वो इस हफ्ते ये भी जो है वो सेक्सटाइल बना रहा है मरकरी के साथ अब मरकरी फिर वही हुआ था आपके फाइनेंस का लॉर्ड है एग्जैक्टली आपकी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है आपके विजडम का सटन ग्यारहवें घर में आ गया दसवें का लॉर्ड है वो मरकरी और जो सेटन है ये दोनों का जो एक अच्छी इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर मिलेंगे आप अपने आइडियाज़ को जो प्रैक्टिकलिज्म की तरफ लेके आएंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेशली आप अपनी स्परिचुअलिटी आप अपने ओवरसीज ट्रैवल अपने कैरियर रोजगार अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर फोकस्ड होंगे ये चीज़ें आपको आगे की तरफ लेके जाएंगी देखें किसी भी चीज़ के बारे में सोचना एक बहुत ज़बरदस्त काम होता है और वो सोच ही होती है जो कि आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की तरफ ले लेके जाती है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना एक अलग चीज़ है अब जो आइडियाज़ आपके पास आए हैं जो आपने एनालिसिस किए हैं पिछले दिनों मरकर की रेटोग्रेशन के हवाले से अपने फाइनेंस से रिलेटेड अपने विजडम अपने एजुकेशन uh, से रिलेटेड अपनी गोल्स अचीव करने के लिए अब आप उसको जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने के तरफ तो जाएंगे और कदम कदम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनशाला आपके मामला में जो है, है वो बेहतरी आएगी आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वाइट टू पाज है डायमंड है इसके अलावा ब्लू टुपाज़ है ये चीजें आप तीनों स्टोन आपकी पर्सनल्स के लिए बहुत जबरदस्त है लेकिन अगर आप किसी और काम के लिए आ, स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप जो है आ, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स की तरफ चले जाइए वहां से आपको पता चलेगा आपको किस काम के लिए कौन सी जम थेरेपी करनी चाहिए या आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो हमसे जनरल में भी पूछ सकते हैं कि आप एज ए टोरस आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हैं आपकी शादी से मुतल है आपका कैरियर है आपकी जॉब हेल्थ है तो आपको कौन सा स्टोन वेयर करना चाहिए तो फिर वहाँ पे भी आपको इन गाइड कर दिया जाएगा बेतिन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं इसके अलावा बहुत कुछ हम जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो आप वहाँ पर फॉलो करके हमें तो वो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हासिल कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ जाना चाहूँगा कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपको एक आइडिया मिल गया कि मजमू तौर पर बहुत अच्छा है सिवाय एक चीज के जो मार्स और प्लूटो की अपोजिशन जो है वो बनने जा रही है ये थोड़ा सा टफ टाइम होगा आपको बैलेंस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा दो में रखिएगा चैनल पे दोबारा आना चाहेंगे तो बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा शेख जबार जावा आपका अपना स्ट्रॉजर इज्जत की दुण 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 सलाम। जब वीकली और ट्वेंटी फर्स्ट टू ट्वेंटी सेवन्थ में आपका यफ्ता कैसा गुजर जब मैंने जमीद करता हूँ बजल आप खैरियत से होगी लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जुपिटर जो कि आपके सेवंथ और टेंथ का लॉर्ड है यह आपके जाइ के बारहवें घर में आ रहा है और यहाँ पर यह थर्टीन मंथ जो है वो काम करेगा जुपिटर बुनियादी तौर पर एक्सपेंशन का सैारा है जुपिटर बुनियादी तौर पर बहुत एक अच्छा जो है इसका रिजल्ट आता है गुड uh, थिंग्स जो है वो आपके साथ जो है वो हैपनिंग की तरफ जाते हैं बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है वो ये है ट्वेल्थ हाउस तो मैं इसको ये कहूँगा कि हमारे जायचे के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ड्यूल किस्म के जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं मिसाल के तौर पे छठा घर आठवां घर बारवा घर ये तीनों जो पोर्शन है अब चूंकि ये यहाँ पर ड्यूल देगा तो ड्यूल में क्या करेगा ये ये देखने की बात है सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसकी पॉजिटिविटीज हैं उसमें ये आपको स्परिचुअलिटी के हवाले से बहुत ही बूस्टअप जो है वो यहाँ पे देगा क्योंकि ये इसका नेचुरली अपना है ये आपके विजडम को जो है ना वो बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा आप इंट्यूशनस आपके पास बहुत अच्छी आएंगी पॉजिटिव चीज़ें जो कि डीप थाट्स में आपके जो है मौजूद हैं उसकी तरफ आप लेके जाएंगे अगर आप स्परिचुअल हीलिंग्स का कोई मैटर जो है वो लेके चल रहे हैं अपने लिए तो उसमें आपको बड़ी कामयाबियाँ इनशाला इनशाला मिल सकती हैं बारवा घर जाहिर चाहिए इसको हम एंड ऑफ द लाइफ भी कहते हैं यानी एक राउंड पूरा कंप्लीट हुआ और एंड स्पेशली वो लोग जो कि एज में थर्टी uh, फाइव से लेके फिफ्टी या फिफ्टी फाइव के करीब है। ये जो पीरियड है उनके लिए बड़ा ही गेम चेंजर होगा स्पेशली जो फोर्टी फाइव से ऊपर के आपके लिए ये बहुत बड़ी एक चेंज होगी और uh, कैरियर रोजगार के अगर मामला आपके हैं स्पेशली अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपनी जहां भी इस वक्त जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ फार यानी अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो कहीं दूर आप अपने लिए सोर्स ऑफ अर्निंग को तलाश करेंगे और यहाँ पे आपको अर्निंग के मैटर्स मिलेंगे और स्पेशली अगर आप यहाँ पे रहते हुए आ, करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जो है वो आपके लिए बड़ा इन शाला ज़बरदस्त जो है वह रहेगा यहाँ पर आपको जो है वो एक्सपेंशन के मौाक़े मिलेंगे अपने बिज़नेस के हवाले से दूसरी तरफ इसी तरह चूंकि सातवें घर का आगे में तो आप शर्कतारी में भी जो है वो ओवरसीज की तरफ जो है वो कहीं जो है वो मौका देख सकते हैं और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरफ जा सकते हैं फिर मरकरी आपका जो अपना रूलिंग प्लानट है ये भी जाहिर के कि बारहवें घर में मौजूद है तो यहाँ की सिचुएशन समझने के लिए पिछले दिनों आपने बड़ी जुस्तजू जो की उसके अब आपको इन शाह आपको रिजल्ट मिल सकेंगे लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मैरिड हैं और आपके अजदवाजी तल्लक कहीं ख़राबी का शिकार हैं तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉक्सीज भी स्टार्ट होंगी जैसे मैंने कहा था कि ड्यूल जो है वो और ठीक इसी तरह आपकी जो हिडन एनिमीज़ हैं वो थोड़ी सी बॉयल्ड होंगी स्ट्रॉग होंगी इन चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना है मैं स्पेशली कहूँगा अपने रिलेशनशिप पर फोकस कीजिए हजरत हजरतम का एक फरमान है कि अपने दुश्मन को कई एक मवाक़ दो हज़ारों मौा दो कि भाई वो आपका दोस्त बन जाए लेकिन अपने किसी दोस्त को ये मौका मत दो कि वो आपकी अपोजिशन में जाके खड़ा हो जाए सो so, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश कीजिए कि आपकी जो हिडन एनिमीज़ हैं वो उनके साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस है यानी कोई ऐसी एक्टिविटी मत कीजिएगा जिससे उनके लिए परेशानी हो चूँकि बार में घर में गया हुआ था मरकरी तो यहाँ पे इसने आपको डीप थाट्स भी दी इसने आपको थोड़ा सा फेस का भी शिकार किया और कुछ आपने अपनी पिछली जो चीज़ है उसको विजिट किया कि भाई आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी उसके रिज़ल्ट क्या है तो आप ये मामला आपके लिबासकी अच्छा तो वो अहम असरा मुरतब होंगे इसके और यह बड़ी ही पॉजिटिव इंपैक्ट इनशाला होंगे इसके अलावा आपकी लव लाइफ में बेटरमेंट आएगी बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा आप अपनी चीज़ों को अपने इखलाकी करदार को बेहतरी की तरफ जो है वो लेके चलेंगे थर्ड हाउस में आपके मार्स आ चुका है जो कि आपके जायचे छठे घर का भी लॉर्ड है आपके ग्यारहवें घर का भी लॉर्ड है ये यहाँ पे अरूज में है ओज में है तो ये भी आपके लिए बड़ा पॉजिटिव आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो बढ़ा दें की तरफ जाएंगे एक्सपेंशन यहाँ पर भी नजर आएगी हेल्थ से रिलेटेड जो मामलाते हैं वो बेहतर होंगे अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसका अख्तितम होगा ठीक इसी तरह आप अपनी जॉब के लिए जो है वो कुछ जस्तजू करेंगे अपनी जॉब में एक्सपेंशन के लिए अपनी लक को भी इस्तेमाल करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी रिलेशनशिप को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे और दोस्तों को भी अपनी जॉब के हवाले से इस्तेमाल करते नजर आते हैं सो अब आप जो कोशिशें करेंगे उसमें आपको इनशाला कामयाबी मिलेगी इसमें एक और कामयाबी का आंसर जो है वो शामिल हो रहा है सन ट्वेंटी को जो कि आपके जाहिर के बारवें घर में मौजूद था ये आपके जाहिर के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा फर्स्ट हाउस में जब सन आता है तो ये आपके तीसरे घर का लॉट है तो आपकी कोशिशों को कामयाबी से अमकान करे गवर्नमेंट सेक्टर से बड़े फ़ायद मिल सकेंगे इज़्ज़त वकार में इजाफा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे जो अहम चीज़ है उसमें भी इन शाला आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे वालिद से गवर्नमेंट सेक्टर से दोनों से आपको बेनिफिट मिल सकेंगे फिर करीबी अजीज वारूक आपकी एज से बड़े हैं या जिनके साथ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं उनके साथ आपका कम्यूनिकेशन भी बढ़ेगी और आप उनके साथ अगले दिनों में बहुत अच्छी सिचुएशन जो है वो बना सकेंगे ट्वेंटी सेकेंड को तस्दीश बनेगी जिसको हम के सेक्सटाइल भी कहते हैं आ, सन आपके फर्स्ट हाउस में होगा और मार्स सन के घर में तो यहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने दोस्तों का मदद मतलब ले सकते हैं अपनी कोशिशों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं इज़्ज़त वकार में इजाफा होगा और ये एक बड़ी कामयाबी की जो है वो उस तरफ होगा यानी मैं दूसरे लफजों में कहूँ तो एक करेज मिलेगी एक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको जिससे आप अपने मामला को आगे लेके इंशाला चल पाएंगे घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीद तब्दीली या खरीदो फरोख़ के मामला अभी थोड़े दिन मजीद इसको पेंडिंग रख लेना बेहतर है अब उसके ऊपर वर्क आप कर सकते हैं इस वक्त में अलबत् कोई ऐसी एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा सा गुरेज करना अनटिल के मरकरी जो है वो जमनाई में ना आ जाए इसके बाद आपके आठवें और नौवें घर का हाकिम आपके जाहिर जो दसवें घर में मौजूद है यहाँ पे ये यह मामला काफ़ी बेहतर है और कैरी रोज़गार के मामला बेहतर होंगे के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन मजमूरी तौर पे बेहतर रहेगा थोड़ी सी प्रॉब्लम प्लूटो और मार्स की पोजिशन है जो कि ट्वेंटी को बन रही है ये आपको मैं कहूँगा कि इन दिनों में यानी बीस इक्कीस बाईस ये कोशिश कीजिएगा आप ट्रेवल कम से कम करें और अपनी गुफ्तू में थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा एजुकेशन बेसिक हो आपकी या स्पेशलाइजेशन हो दोनों सूतों में आपको कदरे मुहतात रहने की जरूरत है जबकि जो मिड सेक्शन की आपकी है स्केल बारह से चौदह की एजुकेशन उसमें आपको बेहतरीन इन शामयाबियाँ जो है वो मिल सकेंगी तो मजमू तौर पर एक अच्छा हफ्ता है जिसकी के इनशाला इब्तः होने जा रही है अगले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत कुछ बहुत कुछ जो है वो चेंज होने जा रहा है मरकरी जो है वो चूँकि बिल्कुल करीब नहीं चला गया जुपिटर के सेवन डिग्रीज़ का फ़र्क है इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को टच करते करते आप जो है वो आगनी तरफ चले जाएंगे बहरहाल खान की मामला आपके और एक पीस ऑफ माइंड और आपकी जो इंटनस हैं वो इस हफ्ते में बहुत ही अहम होंगी उनके ऊपर फोकस कीजिएगा अब आपको छोड़ा थोड़ा सा जो है दलील से ज्यादा अपनी इन पे काम करना है कई बार होता है आपको स्पेशली आपको जो है वो बहुत पहले पता चल रहा होता है कि कुछ मामला तो ख़राब होने की तो जा रहे हैं आपके पास जो है वो वाइब्स आने शुरू हो जाती तो इनके ऊपर फोकस करने की आपको जो है वो जरूरत होगी उम्मीद करता हूँ आप इससे मुस्तफ होंगे तो अपनी दुआ में याद रखेंगे आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो एमरल्ड है इसके अलावा आप यलोसफ़ायर पहन सकते हैं ये आपकी पर्सनलिटी ट्रेड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे और अगर आप किसी खास पर्पज के लिए पहनना चाहें तो आप व्हाट्सअप नंबर पर रब इसी तरह आ, अपने बारे में कोई मामलुमात लेना चाह रहे हो या अपने मामला को डिस्कस करना चाहें तो भी आप व्हाट्सअप नंबर पर जाए वो रबता कर सकते हैं चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगा किया करें इजाज़ हूँगाकूम मैं शेख जबार रजा जावा आपका अपना स्ट्रॉजर हदब की वल्ला कैंसर वीकली और उसको ट्वेंटी फर्स्ट टू ट्वेंटी सेवन्थ मई आपका यह हफ्ता कैसा बोलेगा कैंसरियन आपके जायचे के मुताबिक कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट होने जा रही हैं और कुछ पिछले वीक की पेशव जो है वो हो चुकी हैं और उसके रिजल्ट आपको इस हफ्ते से मिलना इन स्टार्ट हो जाएंगे जिनमें सबसे पहली जो पेशव थी वो मार्च था जो कि आपके फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड था ये 16 तारीख को जो है वो आपके जाहिर चाहे दूसरे पार्ट में जा चुका ये आपके जाहिर और फिफ्थ का लॉर्ड है दोनों घर बहुत अहम पांचवाजम का है आपकी एंगेजमेंट का है आपके लव मैटर्स का है आपके बच्चों से रिलेटेड करता है और टेंथ हाउस आपका कैरियर रोजगार है आपका जरिया माश वहीं पर टेंथ हाउस आपके वाले और इसके अलावा आपकी मदर इन लॉ से भी रिलेटेड करता है सुसाली जो आपके रिलेशनशिप है वहाँ पे तो इन तमाम मामला में जो खराबियाँ थी इन शाह अब दूर हो जाएंगी दूसरी तरफ सन जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट को आपके जायचे के अलेवेंथ हाउस से निकल के जायचे के ट्वेल्थ पार्ट में चल जाएगा ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है सन चुके आपके जायचे के दूसरे घर का लॉर्ड है तो ये आपको डीप थाट्स में लिख के जाएगा तो थोड़ा सा फियर का शिकार करेगा आपके फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से आप अखराज की जो तेजी है उससे जो परेशानियां हैं उसका शिकार थोड़ा सा जो है वो होंगे लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि यहीं से बैठ के जो है वो सन ट्वेंटी सेकेंड मई को जो है वो मार्स जो कि आपके खाना माल में मौजूद है और सन के घर में ही मौजूद है यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव नज़र भी बनाएगा जिससे आपको वो आइडियाज़ मिल सकेंगे वो डीप थॉट्स मिल सकेंगी जिससे आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को जो है वो मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे आपका पूरा फोकस अपने कैरियर की तरफ हो जाएगा अपने फाइनेंस की आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाए फिर चूंकि आपके पांचवें घर का लॉड है तो आप अपने विजडम को जो है वो ग्रोकार ला के नए आइडियाज पे काम करके एक से जायद कामों की तरफ भी आप तो जो करके तो अपने इन मामला को बेहतर जो है बनाने में इनशाला कामयाब होंगे अच्छा ऐसा साल में एक बार जरूर होता है आपके साथ की आप जो है वो अपने फाइनेंस के बारे में डीप था में जाते हैं क्या मार्टर्स है कुदरत ने यह निजाम रखा हुआ है और तकरीबन एक महीने के लिए ये सिस्टम जो है वो डेवलप होता है अब यहाँ पे देखने की जो बात है वो ये है कि क्या आप उस वक़्त को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और ये वीकली मंथली सारी ये जितनी भी वीडियो होती हैं आपको प्रिकॉशंस देने का मकसद ये होता है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि क्या होने जा रहा है किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं तो आपको जो अब आप इंट्यूशन आएंगी जो मैटर्स आपके डेवलप होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इस मामले को जो है वो देख सकेंगे अच्छा सन चूंकि बारहवें घर में आ रहा है तो ये कई बार आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करवा देता है कहीं फार फार जो है वो ले जाता है लेकिन आपका वो ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल जो है वो नहीं होगा इसलिए इस मामले को थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा और गवर्नमेंट सेक्टर मैं आपसे कहूँगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप किन सीधी इनको स्पेशल कहूँगा किसी किस्म की एक्टिविटी से आपको जो है वो गुरेज करना चाहिए बिल्कुल आपको चूँकि बारहवें घर में यहाँ पे ये इंक्वायरीज आपके अगेंस्ट जो है वो स्टैंड हो सकती हैं ठीक इसी तरह सन जो है वो आपके वालिद को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी वालिद के एज के लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है तो इन मामला में आपको शायद अपने वालिद के साथ कुछ क्लैशेस का भी सामना करना पड़ेगा उनकी वजह से आप मेंटल स्ट्रेस में भी जो है वो थोड़ा सा जा सकते हैं तो ये थोड़ा सा आपको केयर करनी है ठीक इसी तरह मैं आपसे कहूंगा कि अगर सन आपका नेगेटिव हो रहा है और ये फाइनेंस से भी रिलेट करते हैं तो आप हर इतवार को एक किलो गंदम या दाल चने का सदका देना अपना मामूल बनाइए इस तरह आप अपने इन्वेटर्स को बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर कर सकेंगे दूसरी तरफ आऊँ तो वीनस जो कि चौथे घर का भी लॉर्ड है ग्यारहवें गुड़ला का भी लॉर्ड है या आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है आपको डीप जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकेंगे आ, ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ जाएगा जो कि आपके फ्रेंड जोन के हो या फैमिली से हो मदर से रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे हाई प्रोफाइल लोगों से आपको बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं आप अपने कंफर्ट को जो है वो बहुत ही अहमियत इस वक्त जो है वो देंगे और आपको अपनी जो इनर आ, डीप जो हम कहते हैं कि एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और बेटरमेंट की तरफ तो जो है चीज़ों को लेके जाने का मौका मिलेगा घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीद अफर इसकी तरफ आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा छोटी बहनों और ख़ासतौर पे वालदा से आपको जो है वो बेनिफिट्स मिल सकेंगे आप कंफर्ट जोन में इंशाल्लाह रहते मुझे नजर आते हैं फिर नाइन्थ हाउस का लॉड सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो, जो है ये आपके जाए के घर में गुड लक के घर में जो है वो ये ट्रांसफर हो चुका है और इस वीकेंड तक या बिगिनिंग में इंशाल्लाह ये आपको अपने रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से देना शुरू करेगा ओवरसीज़ जॉब के हवाले से बेटरमेंट आएगी जॉब में बेटरमेंट आएगी अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको ख़ुद भी मिल सकेंगे और आप ख़ुद भी अच्छा एम्प्लॉय जो है वो कहीं ड्यूटीफुल अंदाज में अपनी ड्यूटी को जो है पे करते हुए एक अच्छे एम्प्लॉय की लिस्ट में जो है इंशाल्लाह आ सकेंगे फिर आपके जो कभी ओपन एनिमीज थी वो आपकी फ्रेंड जोन में जो है वो आएंगी जुपिटर लक का गुड लक के घर में है और एक्सपेंशन का है तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही डिटर्मेंट होंगे और यहाँ पे आपको अपने गोल्स को आप बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं स्पेशल स्परिचुअलिटी के हवाले से स्पेशलाइजेशन के हवाले से इन चीज़ों के हवाले से आप जो है वो अगली तरफ जा रहे हैं के साथ रिलेशनशिप जो है ये भी बेहतर होता मुझे नज़र आता है हेल्थ इश्यूज जो हैं वो अब जो है वो कम होंगे और आप इन इंशाल्लाह जो है तरक्की कर सकेंगे उम्मीद करता हूँ आप इन मालूम की रोशनी में अपनी लाइफ को मजीद भी जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकेंगे आपका बेहतरीन स्टोन जो है वो पर्ल और रूबी यानी कि याकूत है अब मैं इस वक्त कहूँगा कि आप पर्ल को ज़्यादा अहमियत देंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा और सन्डे का सद जरूर दीजिए यह आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा ये तमाम सचुएशन मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव है सब आए एक सन के तो इसको थोड़ा सा फोकस करें इन हालात अगले दिनों में इन शाला मजीद आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जब मार्स भी जो है मजीद मच्योर्ड हो जाएगा तो ये चीज़ें बेहतर होती हैं इन शह नजर आती हैं बेतिन जंग सुन के लिए आप हमारी वेबसाइट जवा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि अपनी राय से जरूर आगा किया करें यह आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा और दोबारा बल्कि आप कमेंट सेक्शन में अपना राय से जरूर किया करें ये आपके लिए एक ऐसा भी होता है कि मुझे आज भी कुछ चीज़ें थी जिनके मैंने जवाब दिए हमारे लिए भी हाईलाइट हो जाता है कि आप किन चीज़ों को इस वक्त फोकस कर रहे हैं तो उसको स्पेशल अपनी जो है वो रीडिंग्स में जो है वो हम ले आते हैं इजाज़त जाऊँगा अल्लाह हाफिज़